वन फॉर द स्टेज, और इसमें आप हैं डॉक्टर पाटिलकर के साथ, और आपसे आपका मैं न्यू टेक्नोलॉजी के तहत आपको मैं लेकर चलूंगा एजुकेशन के, आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट को मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, और इसमें सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं, और टॉपिक को हम लेते हैं शैक्षिक आकलन, जो आपका पेपर फर्स्ट है एम ई की 2020 के स्टूडेंट्स के लिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और सिर्फ साहू जी महाराज विद्यालय से संबंधित मैं राम निवास महाविद्यालय के डॉक्टर त्रिपाठी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और उसमें वेलकम करता हूँ स्टूडेंट्स का। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आकलन, यूनिट वन में आप आकलन के मूल तत्वों को पढ़ेंगे, जहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आकलन को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा, यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर कोई आकलन के बारे में पूछता तो आप पहले शाब्दिक अर्थ बताएंगे, शाब्दिक अर्थ बताएंगे तो शाब्दिक अर्थ में अगर आप पाते हैं तो इसका मतलब होता है गणना करना, यानी कि पूर्वानुमान के द्वारा गणना करना, मेन असली अर्थ क्या निकल के आया, असेसमेंट का मतलब है पूर्वानुमान के द्वारा गणना करना या अनुमान लगाना। अगर हम छात्रों के संदर्भ में इस बात को देखने की कोशिश करते हैं तो छात्रों से किसी विषय के बारे में हम सूचना एकत्रित कर निर्णय लेने की प्रक्रिया हम आकलन कर देते हैं, अर्थात ये समझ लीजिए छात्रों से किसी विषय के बारे में सूचना एकत्रित कर निर्णय लेने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया आकलन कहलाती है। इस प्रक्रिया से हमको क्या ज्ञात होता है ये हमको समझना, इस प्रोसेस से हमको मिलता है क्या है तो क्या ज्ञात हो जाता है। तो कोई बालक अधिगम को यानी कि लर्निंग को, जो बच्चा वो सीखता है उस लर्निंग को वो किस स्तर तक सीख पाया या किस स्तर तक उसने अधिगम को ग्रहण करने में वो समर्थ हो रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी, तो इसको आप समझिए कि सबसे पहले हम असेसमेंट से क्या जान जाएंगे कि बालक अधिगम को सीख रहा है या वो किस स्तर तक सीख है। दूसरी बात, ये हमको जो सूचनाओं की हम बात कर रहे हैं तो ये सूचनाएं हमको बहुत सारे माध्यमों से प्राप्त हो जाती है, जैसे कि हमने पोर्टफोलियो है या दस कार्य हम नई शिक्षा नीति में असाइनमेंट देंगे, दस दस नंबर के होंगे तो वो असाइनमेंट के द्वारा हमको सूचना प्राप्त हो सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बच्चे सीख करके देंगे अपने दिमाग को सर्च करके। इसके अलावा चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल, ये सब है। इसके अलावा हम जानेंगे, इसमें हम जो बता रहे हैं आपको आकलन के बारे में, तो हम छात्रों को कोई ग्रेड नहीं देते हैं, इसमें अंक नहीं देते हैं, केवल फीडबैक देते हैं, प्रश्न पोषण देते हैं, जिससे कि ये देख सकें कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति जब हम कर रहे होते हैं तो मूल्यांकन करें उससे पहले हम उसको कुछ सुधार समझ कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक दिए प्रश्न पोषण देते हैं, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा कम से कम एक शिक्षा शास्त्री की परिभाषा भी हम लिख सकें, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉल बैक के बारे में। उन्होंने कहा कि आकलन वह प्रक्रिया है, बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। आप इस वक्त डॉक्टर पाटिलकर के साथ हैं, मेरे इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश की थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यहाँ किताबें नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ये डॉक्टर पाटिलकर के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसके द्वारा आपको आने वाले वक्त में एक से एक जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट और है वो सब आपको